नमस्कार, आप प्राइम तक देख रहे हैं। मैं प्रवेश पांडे और मेरे साथ है चिराग गोटी। अभी की जो बड़ी अपडेट है, आपको तो पता होगा, एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर के बाद दो जो अतिक का भाई है अशरफ का साला है, उस पर पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया और एसटीएफ की टीम उसे भी ढूंढ रही है। बताना चाहूंगा इस केस में ये अपडेट अभी नई नहीं आई है तुरंत, और ज्यादा जगह भी है भी नहीं। किस लिए ढूंढ रही है ये बताना चाहूंगा कि हम आज सुबह डिस्कस कर रहे थे लाइव में कि कैसे जेल में बैठ के ये लोग प्लानिंग को अंजाम दे रहे थे। तो जो प्लान करने वाला था, जो अंदर जाकर आरोपियों से मिलाने वाला था, ये सब काम कर रहा था अशरफ का साला असद अहमद। और ये लोग अंदर जाकर मिलकर आ रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। उसमें छोटे मोटे लोग इन्वॉल्व थे, टेम्पो ड्राइवर जो जेल में सामान छोड़ता था वो उसके थ्रू लेकर गया था। ये अंदर चार पांच की ये मेरे मजदूर है, काम करते। मतलब कैसे जेल में प्लानिंग की गई, आरोपियों से मिला गया, पूरी प्लान रची गई। और चिराग जी, मतलब बोला जाता है ना, छोटे मोटे चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। हम बोलते हैं कैसे जेल में बैठ के कोई प्लानिंग कर लेता है, इतनी बड़ी प्लानिंग कर लेता है और बाहर आके उसे इम्प्लीमेंट करता है, तो कहीं ना कहीं चूक थी। अब धीरे धीरे पुलिस उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करी इनको पकड़ कर, लेकिन जेल के लोग भी मिले थे, उनका नाम क्यों नहीं है? एसटीएफ ने या जिसने भी इंक्वायरी बिठाई है, अशरफ के साले का नाम आ रहा है, तो उन ऑफिसर्स का भी नाम क्यों नहीं आ रहा है जो इनके थ्रू मिलकर अंदर पहुंचा रहे थे लोगों को? सही बात बोली प्रवेश ने, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है। साथ साथ इस मामले में एक और अपडेट आया है। दरअसल अशरफ से अशरफ ने ये पुलिस बता रही है कि अगर अशरफ चाहता तो असद बच सकता था। बिल्कुल। वो कैसे बच सकता था ये जानकारी पुलिस ने दी है कि दरअसल जब पूरी प्लानिंग हो रही थी शूटर्स की और अशरफ को सारी चीजें पता थी, तो पुलिस ने उससे पूछा तो उसने ये कहा कि मैं शूटर्स के बारे में बता दूंगा, लेकिन एंड टाइम पर वो पलट गया। और वो पलटा इसलिए क्योंकि उसको जो उमेश पाल किडनैपिंग केस है उसमें वो बरी हो गया था, और जब बरी हुआ तो उसको ऑब्वियसली वो पलट गया, कॉन्फिडेंट आ गया, और वो कॉन्फिडेंस हो गया, और वो उसको लगा कि अब तो वो और केसेस में भी बरी होगा। तो इसी बेसिस पर जो अशरफ था उसने शूटर्स के नाम नहीं बताए, और यही वजह थी कि हालात ऐसे पैदा हो गए कि फिर वहां असद का और गुलाम का एनकाउंटर हो गया। ये जानकारी अभी तक निकल कर आ रही है अशरफ के मार्फत। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी वो जांच कर रही है इस तमाम पहलू, और इसके बाद एक और अपडेट देना चाहेंगे कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन चालू है उमेश पाल हत्याकांड में, जिसमें अतीक से पूछताछ हो रही है। पूछताछ में अतीक पहले तो जेल में रो रहा था, फिर अतीक का एटीट्यूड अचानक से चेंज हो गया। उसने पुलिस से पूछा, हम तुम्हें दिखाएंगे गद्दी की ताकत, हमारा टाइम आने दो, हम तुम्हें बताएंगे। मतलब एसटीएफ की टीम को खुली चुनौती दी, खुली धमकी दी कि अब मेरा टाइम आने दो बेटा, मैं तुमको बताता हूँ। मतलब इस एटीट्यूड में, और एटीट्यूड जरा भी कम नहीं हुआ, एटीट्यूड जरा भी नहीं बदला है, उसी तरह गुस्सा है। कल जब मीडिया ने दोनों जन से पूछताछ की, अशरफ से और अतीक से, जब वो निकल रहे थे, जब पुलिस उनकी पूछताछ करके वो जब घर वापस आ रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या, आपका क्या कहना है इस पर, तो बोलता है अल्लाह का बेटा था, अल्लाह को प्यारा हो गया। और दोनों के चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं थी, आराम से गए, आराम से आए। मतलब उन्होंने पुलिस के सामने या मीडिया के सामने कोई रिएक्शन नहीं दिया। भले ही पुलिस अंदर की बात बोल रही कि पिता रो रहा है, पिता ऑब्वियसली रो ही गई, किसी का बेटा गया है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, बहुत सारे अभी जो वहाँ रिपोर्टर्स गए उनके इंटरव्यू देखे, लोग काफ़ी नाराज़ हैं। मैं एक की बाइट सुन रहा था, एक वहाँ का जो लोकल था वो कह रहा था कि गोली मार दे, फांसी पे सर चढ़ा देते चलता, कोर्ट के थ्रू जाते तो चलता, लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर किया है हमें तो, हमें पूरा लग रहा है फेक है। वहाँ के आसपास के लोग उसके खिलाफ है, एनकाउंटर के खिलाफ है, दुकानें बंद कर दी गई। जब उनसे पूछा क्या क्या आप अतीक अहमद को सपोर्ट करते, तो उन्होंने कहा नहीं, हम अतीक अहमद को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जिस तरह से उनकी बीबी, उनके नाबालिग बच्चे, उनके जीजा और उनके भांजियों का सबका नाम इन्वॉल्व हो रहा है इस केस में, उनको जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, और उसके हम खिलाफ हैं। हम अतीक के साथ, जो गुंडा है, जो जैसा कर रहा है उसके साथ वो वैसा भरेगा, लेकिन उसके साथ जो पूरा परिवार सफ़र कर रहा है, उनकी मासी जाती है मिलने, उनके घर वाले देखना जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस बहुत सारी औरतों को अलाउ नहीं कर रही थी अंदर जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आसपास के लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। आज पूरी दुकानें बंद हैं उस एरिए की, ऐसा नहीं पुलिस ने बंद कराई है, खुद से लोगों ने बंद की, और लोगों का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं परिवार के साथ गलत हो रहा है, जिसने किया है बस उसके साथ गलत होना चाहिए, पूरे परिवार को इसमें सफ़र नहीं करना चाहिए। चिराग जी, बात तो सही है कि परिवार के खिलाफ जो है वो पूरे परिवार को सफर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर परिवार ही प्लानिंग में शामिल हो, परिवार ही हत्या में शामिल हो, तो फिर क्या किया जाए? ऐसे में तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी, और पुलिस कार्रवाई कर भी रही है, लेकिन चिराग जी बहुत बार देखिए पता होता है बाहुबली के घर में क्या हो रहा है, उनकी वाइफ को पता होता है, लेकिन आपको भी पता है कि वो क्या कर पाएंगे, ये भी वो मना भी नहीं कर सकती। वो तो एक खबर आई थी कि वो नाराज थी, उन्होंने अपने सूत्रों से खबर मिली थी कि वो अपने पति से भी नाराज थी, अतीक से, कि उन्होंने कहा था कि असद को इसमें क्यों घसीटा, ये सब चीज़ों में आपको करवाना था, आप बाहर के गुंडों से करवा लेते, किसी से करवा लेते, आपने अपने बच्चों को क्यों घसीटा? तो उन्होंने कहा था, उसका रिप्लाई था कि शेर का बेटा है, शेर जैसा आया था शेर जैसा जाएगा।
तो ये कहीं ना कहीं बात जो है शेर का बेटा कहाँ चला गया किसी को नहीं पता, चली गई। अब बच्चे को समझाना चाहते, उम्र कितनी थी, लॉयर बनना चाहता था, आगे पढ़ाई करना चाहता था, और क्या बन गया, एक बड़ा क्रिमिनल, और कहाँ चला गया, एनकाउंटर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं अतीक चाहता तो अपने आने वाली फ्यूचर पीढ़ी को अच्छा बना सकता था, वो चाहता तो अपराध की दुनिया में से अपने बच्चे को घसीट लेता, लेकिन उसकी सनक ने अपने बेटों को खा गए। आज बिल्कुल उसका ठीक पूरे है, परिवार, पूरे बिल्कुल परिवार ठीक जेल बात के है पीछे। कि ये सनक है अतीक की, क्योंकि अतीक जब खुद ही ऐसे दुस्साहस जो कर रहा है और उसको मोटिवेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली घर में इस तरह का माहौल बन रहा है, बिल्कुल बच्चे और हर कोई इस तरह के हत्याकांड में शामिल हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अतीक का परिवार, यानी कि उनकी और दूर के रिश्तेदार, क्या वो भी शामिल थे, या फिर वो पुलिस ने दबाव के कारण इस तरह के मामले उन पर दर्ज किए? अब बहुत लोगों के, अब केसेस बहुत लोगों के नाम जोड़े, जो छोटे मोटे भी जो लोग थे, जैसे कि अब अशरफ का साला है, फिर और सारे लोगों का नाम है, और सबको वांटेड ही कर रही है पुलिस, सबके ऊपर इनाम घोषित कर रही है, और सब भाग रहे हैं क्योंकि सबको डर लग रहा है कि हम अगर चले भी गए पुलिस के पास तो पुलिस हमारा एनकाउंटर ना कर दे, या पुलिस को हम जाके बताए तो पुलिस हमारी कितनी बात सुनेगी, क्योंकि अब माहौल जो है वो सुनने सुनाने लायक नहीं है, मतलब इतना दहशत हो गया है। आज उनके नाना ही थे, वो बात करने से डर रहे थे लोगों से, वहाँ के आसपास के लोगों में तो गुस्सा बहुत ज़ायज़ था, वो कैमरा देखकर लोग भाग भी रहे थे, चिढ़ भी रहे थे, वो मीडिया से भी कहीं ना कहीं नाराज़ थे, वो कहीं ना कहीं इस बात को, मीडिया ने भी जब ये बात पूछा कि आप अतीक अहमद को सपोर्ट करते, बोलते हम अतीक अहमद को सपोर्ट नहीं करते, सब हर कोई यही बोल रहा था कि हम उनके गुनाहों को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जिस तरह का जुडिशियल सिस्टम है, जिस तरह से चल रहा है, उनके और पुलिस में फिर फ़र्क क्या रहेगा, उनके और बाकी लोगों में फ़र्क क्या रहेगा, ये वहाँ के लोग भी कह रहे थे। लेकिन चिराग जी, इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, जो लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं वहाँ के लोग, वो कहीं ना कहीं गलत भी कर रहे हैं अतीक अहमद को, अगर जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। अगर धर्म के चश्मे से बाहर निकल के देखें, क्रिमिनल को क्रिमिनल जैसा ट्रीट करें, इस देश में मैं बोलता हूँ बहुत जल्दी शांति आ जाएगी, बहुत जल्दी लोग क्रिमिनल, पता है ये बाहुबली बनते कैसे हैं चिराग जी, इन्होंने ऐसा कोई अच्छा काम तो नहीं किया जिसकी वजह से लोग इनकी बड़ी इज्जत करते, इन्होंने दहशत बनाई, दहशत के बाद एक अपना नाम बनाया, एक ऑरा बना लिया, तो लोग डर के मारे इन्हें सपोर्ट करते, फिर इन लोग ने इनलीगल एक्टिविटी करके कुछ लोगों के लिए अच्छा किया, जैसे जिस इलाके में रह रहे वहाँ इनलीगल एक्टिविटी हो रही है, वहाँ इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट नहीं आ रहा है, किसी का घर बन रहा है तो बनने दो, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये थोड़े बहुत आसपास के लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बाकी जो एरिया है वहाँ बहुत सारे क्राइम कर चुके होते हैं। जैसे हम गए थे रामनगर, वहाँ के आप पास के ही लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे इनके समाजवादी पार्टी के नेता से, जो अभी जेल में है, तो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और उनके बेटों से कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी, दिख रही थी, वो लॉ लश्कर दिख नहीं रहा था, आसपास कोई लोग नहीं थे, इलेक्शन का टाइम था, लेकिन घर के बाहर 5 लोग नहीं थे चिराग जी। बात सही है। और आपने इंटरव्यू किया था, उन्होंने हालत बताई थी पिता की कैसी है जेल में, बहुत सही बात है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो और क्रिमिनल्स है, मुख्तार अंसारी है, ब्रजेश सिंह है, इनका क्या होगा? क्या वाकई इन पर भी अब कड़ी जो है वो दृष्टि या मिट्टी में मिलाया जाएगा? साफ साफ हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि सफाया होना चाहिए, सबका सफाया होना चाहिए। एक दूसरे सेंस में अगर देखा जाए कि जो संवैधानिक तरीका है उसको अपनाकर ये होना चाहिए, जो अगर हमेशा ये बात आ रही है। मुझे भी लगता है अगर जेल में जाकर आदमी शांत हो गया है, अगर जेल में जाकर, जैसे मुख्तार अंसारी जेल में जाकर शांत हो गया है, हाँ जेल में जाकर अब वो कोई बाहर ऐसा बड़ा क्राइम करवा नहीं रहा है, तो उसको जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से जरूर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन बात आ जाती है अतीक के मामले में, ये अलग क्यों है, अतीक जेल में जाकर भी नहीं सुधरा, रीजन क्या था, पुलिस को इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाना पड़ रहा है, पूरी फैमिली को क्यों इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, इतने रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग जेल में बैठ के भी चीजें क्राइम कर ही सही रहे बात हैं, है। तो पुलिस बोल रहे यार हम करें तो करें क्या, इन्हें जेल में भेज रहे, जेल से क्राइम करें बाहर आ रहे, तो बाहर से क्राइम करें, तो इनके ऊपर एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा, एक ऐसा प्रेशर बनाना पड़ेगा कि ये दोबारा ऐसा कुछ करने से बहुत 100 बार नहीं 1000 बार सोचे कि यार अगर मैं वापस कुछ करूंगा तो इस बार तो मेरे पूरे फैमिली को इन्वॉल्व किया, इस बार तो मेरे रिश्तेदार किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इनको फर्क पड़ता है, आपको लगता है अतीक अहमद को कोई अब फर्क पड़ा पड़ेगा है? कोई फर्क पड़ा है? मुझे लगा ऐसा ये पहली बार ऐसा सेटबैक जो, लगा है कि उनका बेटा मर हाँ गया है। ये ऐसा सेटबैक अभी तक नहीं लगा था, इन्हें लगा था कि कौन ही क्या कर लेगा, मेरी बीवी हाँ बीवी किसी को, मेरे ज्यादा ज्यादा मुझे मुकदमा परेशान कर देंगे, लेंगे, मुकदमा हाँ थाने में। मुकदमा दर्ज होगा। इन्होंने ये नहीं सोचा था ना एनकाउंटर लेवल तक बात चली जाती, अगर ये पता होता एनकाउंटर लेवल तक बात चली जाती तो ये कभी अपने बेटे को इन्वॉल्व नहीं करती इन सब सही चीज़ों बात में। है। इन्हें लगा था सिस्टम है, केस चलेगा, मेरे जैसा अंदर आएगा, मैंने तो कितने लोगों को मरवा के अंदर बैठा हूँ, राजा की जिंदगी जी रहा हूँ, तो इन्हें इन्हें यही एटीट्यूड था, यही एटीट्यूड कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स को जहाँ हौसला दे रहा था, आज वही क्रिमिनल रो रहे हैं अपने किए इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है, जो उस समय पे। सूत्रों का कहना था कि क्या ऐसा तो नहीं कि असद ने खुद ही अपने लेवल पर जो है सारी प्लानिंग रच डाली और ये सब हाँ कुछ कर हाँ डाली, परिवार को इन्वॉल्व ही नहीं किया? एक थेरी ये भी कह रही है, क्योंकि अति कह रहा है कि मेरे मेरे पास कोई जो फोन में यूज कर रहा था, पुलिस के पूछताछ में अति की पूछताछ करने लगा, मतलब अतीक ने पुलिस से क्वेश्चन किया कि
कि मेरे पास फोन है, मेरे पास जो फोन था जिससे आप बोल रहे हो कि मैं प्लानिंग कर रहा था, फोन प्रोड्यूस करो, वो फोन प्रोड्यूस करो, वो नंबर प्रोड्यूस करो जिस नंबर से बातचीत हुई, किसका नंबर था, कहाँ, और वो कॉलिंग कहाँ से हुई, ये प्रोड्यूस करो। पुलिस के पास क्या इसका जवाब है, ये क्वेश्चन खुद अतीक ने किया। अतीक के वकील ने भी यही क्वेश्चन किया था कि अतीक के नंबर से कॉल हुए तो नंबर बताया जाए, वो मोबाइल बताया जाए, किस लोकेशन से बात हुई वो बताई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या सच में बेटे ने ये जिम्मा ले लिया कि अब पिता को तो सजा दी। क्यों? क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी क्यों लग रही, चिराग जी मैं बताता हूँ। सजा तो हो गई थी, बस सजा कितने, मतलब सजा की बस डेट, सजा तो फाइनल हो गई थी, सजा होने वाली है, उसकी गवाही भी हो गई थी। गवाही के बाद मारना, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बेटे का भी आक्रोश था कि अरे इनकी इसकी वजह से अंदर है मेरा हाँ पिता। हाँ इसके वजह से मेरे पिता को सजा होने वाली है, क्योंकि किसी को मरवाना होता गवाह को तो गवाही से पहले मरवाता। नहीं तो मरवाना तो था ही, क्योंकि अब 2-3 महीने बाद फैसला आ रहा था इसमें, उमेश पाल किडनैपिंग केस में उससे फिक्स पहले मरवा फिक्स दिया, अब हाँ फरवरी उससे में मरवा हाँ, दिया, लेकिन फैसला तो आना ही था वो ना। ठीक है, लेकिन हाँ आपने बदला तो लिया ना, बदला भी बस उनकी बस चीज वही मैं होती बोल रहा हूँ, बदला बदला। अब बदला इस तरह से देखा जाए कि अतीक ने कहा बदला लेने के लिए, या बेटे ने खुद से जिम्मा उठाया कि बदला लूंगा, ये बहुत सारी चीजें जो आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में साफ होंगी। और अब तो इस बात पर इन्वेस्टिगेशन हुआ जा रहा है कि ये अतीक, पुलिस ने, मैं बताता हूँ पुलिस ने रिमांड किस तरह ली। पुलिस ने कोर्ट को कहा कि अतीक जो है पाकिस्तान के जरिए हथियार मंगाता है, महंगे महंगे हथियार ड्रोन के जरिए। अगर अतीक से हम कड़ी पूछताछ करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा, बहुत सारी चीज़ों पर हमें पर्दाफाश होगा कि अतीक के कौन से गुर्गे हैं जो काम करे पाकिस्तान से गन ला रहे, वो आगे चल के देश विरोधी चीज़ों में भी काम हो सकते हैं इनके ही, क्रिमिनल्स के। तो ऐसे लोगों को हमें अभी रोकना पड़ेगा। तो अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिले तब जाकर हम कोई कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और हम इन लोगों को रोक पाएंगे। अगर कोर्ट हमें ये इजाजत नहीं देगी तो ये ऐसे क्राइम बढ़ता रहेगा। फिर जाकर कोर्ट ने इन्हें ऑर्डर दिया कि हाँ आप इनसे पूछताछ कर सकते हो। तो आप पूछताछ चल रही है कि कहां से लाया था इन्हें, उमेश पाल के हत्याकांड में गन्स कहां से आए थे, चीजें कहां से आई थी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब क्लियर हो रहे हैं। लेकिन एसटीएफ का काम जो है वो बहुत फास्ट तरीके से चल रहा है। अब पुलिस किसी को भी नहीं छोड़ी, जो जो इन कनेक्शन में, मतलब उमेश पाल हत्याकांड में एक छोटे से छोटा हेल्प करने वाले को भी पुलिस नहीं छोड़ी। तो ये स्ट्रांग मैसेज जाएगा। ये स्ट्रांग मैसेज क्यों जाएगा? क्योंकि अगर कोई भी क्राइम करने को सोचेगा, छोटी सी भी हेल्प करने को सोचेगा, अरे मेरे बस घर पे ही तो आए थे, एक दिन रुके थे, मैं तो, मुझे क्या पता था क्रिमिनल है, तो नहीं चलेगा ये। तो फिर बिल्कुल सही कहा प्रवेश ने, नहीं चलेगा। अगर इस तरह की कवायदे होती हैं तो नहीं चलेगा। ये एक्चुअली इस केस ने बहुत सारी चीजें क्लियर करी, ये भी एक चीज क्लियर करी यूपी सरकार की एक दृढ़ इच्छा शक्ति के, हम अपराध को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल दूसरा ये प्रूव करी कि अपराध का बोलबाला नहीं नहीं चलेगा। तीसरा चलेगा। ये प्रूव करी कि इतना बड़ा गैंगस्टर उसके परिवार को कैसे डेंट मारा जाए। तो ये सबसे बड़ा जोल्ट उसको दिया अतीक अहमद को, यानी बिजली का पुलिस झटका पुलिस ने एक अपनी, तरह से कहा जाए। एक तरह से देखा जाए तो पुलिस ने भी अपनी ताकत दिखा दी कि यूपी में एक चलता था ना, बाहुबली, बाहुबली के सामने पुलिस भी झुकती है, लेकिन पुलिस नहीं झुकती, पुलिस झुका देती है अच्छे खासे लोगों को। तो ये दिखा तो दिया ये पुलिस ने कि यूपी पुलिस ने, खासकर अगर बात की जाए कि यहां अपराध का बोलबाला नहीं होगा। सबसे बड़ा डेंट मारा अतीक अहमद को, उसके बेटे की हत्या कर दी। आप अब सोचिए, देखिए हत्या मैं नहीं कहूंगा इसको, एनकाउंटर ही कहूंगा। एनकाउंटर, आपके गलती से आपके शब्द निकल गए, हाँ, नहीं तो क्योंकि आपके ये वीडियो कोई लोग इतने से क्लिप को ट्रोल कर देंगे हाँ नहीं, लेकर मेरा कहने का मतलब यही है कि इसमें एनकाउंटर एनकाउंटर जो किया, और सबसे बड़ा जोल्ट जो है वो अतीक की फैमिली को लगा, क्योंकि वो इस अगर बात को बर्दाश्त नहीं अगर कर अतीक सकता। इससे भी नहीं अब सुधरा सवाल उठता है कि अगर वो नहीं सुधरा तो फिर क्या है? अब तो कौन बचा फिर है? वो पुलिस वालों को नहीं छोड़ेगा या क्या करेगा वो? धमकी जिस तरह दे रहा है, जिस तरह उसकी धमकी दे रहा है, अगर सच में नहीं सुधरा तो पुलिस वाले फिर ऐसे ही एक्शन लेते जाएंगे इनके खिलाफ। बिल्कुल पुलिस वाले नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे इनके घर में, मुझे तो नहीं लगता। जिस हिसाब से अब यूएपीए, आपको बताना चाहूंगा इस पे, अतीक पर यूएपीए एक्ट लगाया जा रहा है, मतलब इनका तो छूटना, आगे की लाइफ बड़ी मुश्किल है। मतलब मुझे लग रहा है इनकी, इन्हें एक में तो सजा हो गई है उम्र कैद की, हाईकोर्ट में मुझे नहीं लगता इन्हें कोई बचने की गुंजाइश है, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत है, और ऐसे बहुत सारे सबूत है, आगे सबूत मिटाने के लिए भी सबूत है, मतलब इतना कुछ है इनके खिलाफ कि ये इन्हें कहीं से रियायत नहीं मिलेगी, और इनकी पूरी चलिए जिंदगी जेल में ही जाने वाली, कटने बिल्कुल। वाली है। और इस पर निश्चित रूप से जैसा आपने बताया कि अब आगे क्या प्लान हो सकता है उसका, क्या अतीक सुधर जाएगा या अतीक और बिगड़ जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही खैर बताएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच।